ठीक है ना? एकदम ठीक है। देखिए नया गाड़ी ले लिए हैं। कितना में लिए हैं? अरे मत पूछिए, 65,000 पे बैठ गया। 65,000 एकदम चमचमा रहा है गाड़ी, अब कहना ही नहीं है। और इसका माइलेज भी बहुत अच्छा है, चलने में भी मजा आ रहा है ना। सचमुच कलर तो देखने में बहुत अच्छा। हटो हटो, देखिए हटता नहीं है, खड़ा है। अरे हटो ना। ये सब कहां से सब आ जाता है, छोड़िए, जाने दीजिए। सामने साइकिल खड़ा कर दिया, थोड़ा ऐसे ऐसे लोग आ करके, देखिए दिमाग खट्टा हो रहा है, अभी आकर के बैठ गए। छोड़िए ना, जाने दीजिए भैया, ऐसे लोगों को तो आप गाड़ी लिया है इसलिए इतना खुश है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ। नमस्ते भैया, ये चेक कीजिए तो। क्या है? अरे बहुत अच्छा है जी, अच्छा है, अच्छा फस गया। तेरा काम दिखाने का समय हो गया। अरघट के खोपरी, मरघट के मसान, मारे मंत्र तो लौटे फरार। सकल अकल 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 अपने काम को दिखा, प्रकाल को प्रकट कर, जल्दी से प्रकट हो जा। शैतानी आत्मा तेरे गुलाब आ गया है, तेरा काम करने का समय आ गया। उत्तर से आ, दक्षिण से आ, सावहा धरती से आ, चलिया प्रकट हो। सुम सकल अकल भुम भुम बा, अभी तू अपना जलवा दिखा। प्रकट हो जा, अभी शैतानी आत्मा तू अपना काम को दिखा। सुम सकल अकल भुम भुम बा, जो तू हाथ में लेके आया है उसको आग में क्या? अरे बचाइए भैया, अरे बचाइए भैया, मर रहे भैया, अरे क्या हो रहा है भैया?
भैया क्या हो रहा है भैया, बचाइए भैया। अरे ये क्या, ये तो पैसा 1 रुपया, वाह क्या बात है। अरे और दिखाई दे रहा, वाह बहुत पैसा मिल रहा, बहुत पैसा मिल रहा। अरे आज मेरा लॉटरी लग गया क्या यार, ये तो बहुत पैसा है, वाह क्या बात है। वाह नोट की गड्डी, कोई देख तो नहीं ना रहा है। ए, वाह पैसा, ओ नकली तो नहीं ना है। अरे अरे ये तो डरने वाला जगह जैसा लग रहा है, कौन है लोग, अरे आप लोग क्यों इसे घूर घूर के देख रहे हैं। भैया क्या चलेगा? सुपर। कौन है? अंदर देखिए, पीने के बाद इतना मजा आ रहा है। अच्छा
Oh!
जाओगे तो मर जाओगे। एक समोसा दो, एक 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 दे 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 एक समोसा दो दो ये दो। कैसा कपड़ा पहना है, पैसा चाहिए पैसा। असली तो है पर बहुत फटा हुआ है। पीछे से बहुत मार का है। तुमने होमवर्क खत्म किया? आज का दिन तो बहुत बागो रे बागो, पीछे मत देखो बागो।
हे हे छोटी छोटी, ये दादी वाला कुछ चार लोग आया था, देखे इधर। दाढ़ी वाला को देखा था। क्या तुम उसे देखे थे क्या? ओ, मुझे उसे बहुत डर लगता है। सही में यार, आज तो हम लेने जाना, अगर वो आज भी वो दिख जाएगा तो। ए भागो भागो, दाढ़ी वाला है, भागो भागो, चलो यहाँ जाकर छुपे के, जल्दी जल्दी जल्दी, चलो हम लोग यहीं छुपते हैं, यहीं। Thank you.
जी की प्रणय लो लो जाओ। प्रकार के दुष्ट आत्माओं से तूने संभाला प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं राजा। हे पिता परमेश्वर, तेरे नाम की स्तुति करते, तेरे नाम की महिमा करते हैं राजा। हालेलुया हालेलुया। अभी तक परमेश्वर तूने बचा, आगे बचाने के लिए पिता परमेश्वर आपसे अनुग्रह चाहते हैं राजा। अभी तक तूने संभाला, हम धन्यवाद देते हैं राजा।
बेटी उठो, thank you.
तेरे पाप जमा किया गया और आगे पाप मत करो। यदि तू विश्वास करेगा तो परमेश्वर की महिमा को देखेगा। अशुद्ध आत्मा निकल जा। आप जहां जाएंगे मैं भी साथ चलूंगा। अशुद्ध आत्मा निकल जाओ। नमस्कार भैया, इसको याद है? क्या हुआ? अब बात नहीं कर सकते हैं? स्वरूप में अपने जैसा पवित्रता के साथ सृष्टि की। मनुष्य के अंदर पवित्रता रहने के चलते वह खुश और शांति से भरपूर व्यक्ति रहा। उस खुशी में बने रहने के लिए परमेश्वर के गुण को प्रकट करने वाली आज्ञाओं को लिखकर उसके आधार पर जीने के लिए कहा। उस आज्ञा के अनुसार परमेश्वर के सामने सच्चाई के साथ और मनुष्यों के साथ प्यार से रहता तो उनके अंदर खुश और इस पृथ्वी पर शांति भरपूर रहेगा। लेकिन मनुष्य स्वार्थी और विश्वासघाती बन गया, अपने इच्छा के अनुसार चलने लगा। जो मनुष्य को सृष्टि किया उस परमेश्वर को छोड़ के उनके आज्ञाओं को मानने से इनकार किया, दूसरों के चीजों के ऊपर लालच करके लूटा, चोरी किया, हत्या किया। परमेश्वर जिसको करने से पाप कहा उसको ही करके पवित्रता को खोके मनुष्य पापी बन गया। उसका पाप ही उनके अंदर मृत्यु को लेकर आया। उनके आज्ञा नहीं मानने के चलते इस दुनिया श्राप, वेदना, कष्ट, दुख और पीड़ा से भर गया। मनुष्य का जीवन कड़वा हो गया। मनुष्य अपने पाप की प्रायश्चित के लिए
तीर्थ यात्रा और पुण्य स्थानों में घूमने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मनुष्य आजादी के लिए और खुशी के लिए और शांति के लिए तड़प रहे थे। परमेश्वर ने मनुष्य के स्थिति को देखकर उनके ऊपर तरस खाया। मनुष्य परमेश्वर को भूलने से भी परमेश्वर उन्हें नहीं भूला। उनके ऊपर प्यार रख के उन्हें उद्धार करने के लिए आया, लेकिन पवित्रता को खोया हुआ मनुष्य उनको खोज में आए हुए परमेश्वर को देख नहीं पाया। मनुष्य का पाप और उसके द्वारा कमाया हुआ श्राप के चलते मनुष्य परमेश्वर से बहुत दूर हो गया, लेकिन उन्हें ऐसे ही छोड़े बिना उसे छुड़ाने के लिए उनके खोज में आया। मनुष्य परमेश्वर को पहचानना है, इस कारण खुद परमेश्वर ने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, वही यीशु मसीह है। मनुष्य कैसे इस दुनिया में पवित्रता के साथ रहना है उसको वह करके दिखाया। यीशु ने किसी से पक्षपात नहीं किया, चाहे कोई धर्म के क्यों ना हो या किसी भी जाति के क्यों ना हो, सबसे प्यार किया, उनके पापों को क्षमा किया, उनके शापों को भी दूर किया और रोगों को भी चंगा किया। मनुष्य के अपराधों को जानते हुए भी उसने मनुष्य को प्रेम दिखाया। मनुष्य यीशु का इस अपार प्रेम को देखकर अपने अपने पापों को मानकर क्षमा के लिए विनती किया। वह उसे ग्रहण करके उनके पापों को क्षमा किया। यीशु ने मनुष्य के पापों और श्रापों को अपने ऊपर लेकर अपना पवित्रता और शांति को उनको दिया। जिस पाप के कारण मनुष्य को मरना था, उस पाप के लिए यीशु ने खुद बलिदान हुआ, उसको दफनाया गया, लेकिन तीसरे दिन यीशु जी उठकर मृत्यु से विजय पाया और आज भी यीशु जीवित है। यदि कोई भी इस यीशु को विश्वास करके अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करके अपने पापों की क्षमा के लिए विनती करता है, तो वह उनके पापों को क्षमा करके शापों से छुटकारा देके रोगों को भी चंगा करता है। अगर आप भी विश्वास करके उनकी ओर पुकारेंगे तो आप भी पापों से और श्रापों से आजादी पाएंगे। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे तो आपका पाप मिट जाएगा, श्राप भी धुल जाएगा। Yes.
लाठी कहाँ गया? मेरा जादू का लाठी इधर ही था, कहाँ गया? बोल ले गया भाई, कहाँ है? आखिर कहाँ गया? Yeah.
बाइबल बतलाती है प्रभु यीशु मसीह शैतान के कामों को नाश करने के लिए इस संसार में आया। शैतान आज न केवल लोगों को गुलाम बनाता है, गुलामों को इस्तेमाल करके अपने क्रिया को अर्थात नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए, सत्यनाश करने के लिए, परिवारों को बिगाड़ने के लिए, लोगों को गिराने के लिए, मारने के लिए भी इस्तेमाल करता है करके बाइबल बतलाती है। इन कामों को पहचानने वाला बहुत कम है, परंतु प्रभु यीशु मसीह के नाम जो कोई लेते हैं उस नाम लोगों को छुड़ाने का ताकत रखता है और उस नाम से हमें विजय के ऊपर विजय मिल सकता है। इस बात को प्रकट करते हुए सारे संसार के लोग जो शैतान की क्रियाओं से परेशान है उनका आजाद करने के लिए इस फिल्म को आपके सामने हम पेश करते हैं। न केवल देखें, अपने जीवन में यीशु को ग्रहण करके अनुभव में लाएं, औरों को भी छुड़ाएं। परमेश्वर आपको आशीष देने पाएं।